मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पायनियर है फ्रॉम पायनियर एकेडमी स्टूडेंट मालूनी। आज हम लोग मैथ्स का एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आप एग्जाम देखेंगे, रेलवे है, एसएससी है, ठीक है, बैंकिंग वगैरह, सभी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद इसी पे बेस्ड आपको चार पांच क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको उससे जो इसका प्रोसेस है वो समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/2। एक बच्चे को कहा गया किसी संख्या को या किसी फ्रैक्शन को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाय मिस्टेक बट ही डिवाइडेड दैट नंबर बाय 3/2, बट उसने उस संख्या को 3/2 से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है भाई, कहा था मल्टीप्लाई, बट उसने डिवाइड कर दिया। हिज रिजल्ट वाज 10 लेस देन द करेक्ट आंसर। उसका जो रिजल्ट आया करेक्ट आंसर से 10 कम आया, 10 रिजल्ट कम आया, तो बताइए वह संख्या कौन सी है। समझ जाओ, वो संख्या पूछी जा रही है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस है, हम लोग एक्स मान के करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं। पहले मैं एक्स के प्रोसेस से बताऊंगा, उसके बाद फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने बताया हुआ, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन होता है मूल संख्या 100 मानते हैं, और जब फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है मूल संख्या 1 लेके चलते हैं। पहले हम लोग एक्स से इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माना वह संख्या एक्स है, जैसे मैथ्स में हम लोग करते हैं। अब देखो, उस बच्चे को कहा था उस नंबर को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 3/2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले केस में आप लोगों को पता है, मल्टीप्लाई के केस में ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होते, नीचे की नीचे। अब ये जो मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा 3x डिवाइड बाय 2। ये अगर वो बच्चा उसको मल्टीप्लाई करता तो ये रिजल्ट आता उसको। बट उस बच्चे से क्या मिस्टेक हो गई, उसने उसको डिवाइड कर दिया, किससे, 3/2 से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, कहा ये गया था और उसने ये वाला फॉलो किया। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, डिवाइड चेंज इन टू मल्टीप्लाई, और पीछे का फ्रैक्शन पलटी मार जाता है, 3/2 चेंज इन टू 2/3। ठीक है, अब ये 2/3 में कन्वर्ट हो गया। अब सेम प्रोसेस है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, ये आ गया बच्चों आंसर 2x/3। ये आ गया, आना ये था आंसर। ठीक है, ये आना था, बट बच्चे की जो गलती हुई सुनने में, उसकी वजह से ये आंसर आ गया। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस जो बताता है, कहता भी ये आंसर इसकी तुलना में 10 लेस है, 10 कम आया। ठीक है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है, ये 3x/2 और 2x/3। ठीक है, ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 10 के। दोनों का एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम ऐसी छोटी छोटी संख्या जो दोनों से डिवाइडेड हो, 2 से भी डिवाइडेड हो, 3 से, 2 के टेबल में भी है, 3 के टेबल में है, वो है हमारा 6। तो 2 3 6, 3 पे गया, 3 3 9, ये 9x आया, माइनस का साइन आया क्योंकि यह माइनस का। ठीक है, 3 2 9 2 पे गया, 2 2 9 4, 4x=10। ठीक है, अब जो 9x में से 5x जाएगा तो क्या आएगा, 5x/6 दैट विल बी 10, इस तरह से। ठीक है, 5x/6 = आ रहा है 10। अब देखिए यहां x को यहां नहीं देते हम लोग, और ये जो 5/6 है इधर जाके 6/5 में कन्वर्ट हो गया। अब 5 2 10 और 6 2 12। अब देखो बच्चों, x की वैल्यू क्या आई, 12 आई, तो ये हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, ये वो संख्या थी जिस पर कार्रवाई करने के लिए बच्चों को कहा गया था, मल्टीप्लाई, जिसको मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों को कहा गया, ये वो संख्या है। समझ गए बात, कई बार संख्या पूछी जाती है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है राइट, वास्तव में उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए था, क्या सही रिजल्ट था, वो बाद में करेंगे हम लोग, पहले ये संख्या वाला समझ लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक्स से समझाया, अभी मैं आपको एक से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन में हम लोग मूल संख्या 100 लेके चलते हैं, और जो फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है मूल संख्या 1 लेके चला जाता है। ठीक है, अभी हम लोग मूल संख्या को 1 लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। हम लोग माना वो संख्या 1 थी, बच्चों को क्या करना था, 3/2 से मल्टीप्लाई करना था, तो रिजल्ट क्या आता बच्चों, 3/2 ही आता। जब कभी भी किसी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है या 1 से डिवाइड किया जाता है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना तो इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, तो वही का वही संख्या में प्राप्त हो गई, 3/2 ही प्राप्त हो गया। अभी क्या होता है, वो कहता है करना ये था, ये करना चाहता था, बट गलती से क्या हो गया, 3/2 से उसने डिवाइड कर दिया। अब देखो 3/2 से मैं इसको डिवाइड करता हूं, डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई, पीछे का फ्रैक्शन पलटी मारा, 2/3 में कन्वर्ट हुआ, ये बच्चों 2/3 आ गया, ये आना ही आंसर था, गलती से ही आंसर आ गया। और ये जो आंसर है ये इसकी तुलना में 10 लेस है। ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको बता दिया गया। ठीक है, तो 3/2 - 2/3 = 10 आ गया। ठीक है, दोनों का एलसीएम 2 3 6, ठीक है, 2 3 6, 3 3 9, और 3 2 6 2 2 4, ये आ गया बच्चों 10। ठीक है, तो 5/6 = 10, इधर जाके क्या होगा, पलटी मारेगा, ये 6/5 में कन्वर्ट होगा, 6 2 12,
ये बच्चों हमारा आंसर है, ठीक है। प्रोसेस वही है, एक्स वाला प्रोसेस ही है, ठीक है। बट आप जब इसको करने लग जाएंगे तो हम ये वाले स्टेप तुरंत होने शुरू हो जाएंगे, एक्स के रखने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। दूसरे हमें एक्स रखने में कितना टाइम करा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 जगह जो एक्स रखने था वो हमारा टाइम बच जाता, ठीक है। ये वाला प्रोसेस हम लाएंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन होते चले जाएंगे, समझ रहे बात। चलिए हम लोग इसको हटाते हैं, नया वाला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं इसके साथ, ठीक है। और बच्चों जब भी मेरा लेक्चर देखें या किसी अन्य व्यक्ति का लेक्चर देखें तो आप रजिस्टर लेके बैठा करें, ठीक है। तो साथ साथ क्वेश्चन को अपने हिसाब से करने की कोशिश, जैसे क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, जैसे वो सॉल्यूशन कराएंगे उससे पहले पॉज कर दो, वीडियो को रोक दो, अपने रजिस्टर पे करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो आपका भी हाथ चलता रहेगा, आप उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, जैसे हम लोग क्लास में करते हैं, क्लास में भी इस तरह से किया जाता है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन करता है, कहता है एक विद्यार्थी की संख्या को 7/8 से मल्टीप्लाई करना था, किससे मल्टीप्लाई करना था बच्चों, 7/8 से, ठीक है। बट बाय मिस्टेक गलती से उसने 7/8 से उसको विभाजित कर दिया, भाग कर दिया, 7/8 से भाग कर दिया, ठीक है, जिसके कारण उसका उत्तर सही उत्तर से 15 अधिक आया, 15 मोर आया। अब देखो ये वाला पहले वाला लेस था, अब ये अधिक वाला है, 15 मोर देन द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये है। तो बताइए वो संख्या कौन सी है या उस संख्या का योगफल क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं, अभी हम लोग x से नहीं करेंगे, सीधा 1 से शुरू करेंगे। भाई संख्या 1 थी, उसका 7/8 क्या होता, 7/8 ही होता, ठीक है। बट उसने क्या करा, गलती से डिवाइड कर दिया 7/8 से, ठीक है। अब डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, ये पीछे का फ्रैक्शन पलटी मारा, 8/7 आ गया, ठीक है। ये सही होना था, ये हो गया, और ये आंसर इसकी तुलना में ज्यादा आया, ठीक है, अधिक आया। एक बात और बता देता हूं बच्चों, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 7/8, बट ही डिवाइडेड दैट नंबर बाय 7/8, हिज रिजल्ट वाज 15 मोर देन द करेक्ट आंसर। अब देखो यहां मल्टीप्लाई के लिए कहा गया था, बट उस बच्चे ने डिवाइड किया है, बट उसका आंसर पहले वाले आंसर से मोर आ रहा है, अधिक आ रहा है। तो एक बार बच्चे के मन में यह बात आती है कि भाई जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी संख्या को तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, और डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती है, समझ रहे बात। मल्टीप्लाई करते तो डैम श्योर बढ़ेगी, मान लीजिए मैं 12 से लिख लेता हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करता तो 48 आता, अगर 12 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 3 आता, ठीक है। तो डिवाइड के केस में वैल्यू लेस होती है, कम आती है, ठीक है, बट फ्रैक्शन के केस में वैल्यू बढ़ भी सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिवाइड के केस में वैल्यू कम ही आएगी, इसमें वैल्यू बढ़ भी सकती है। चलिए हम लोग करते हैं इसमें क्वेश्चन में, ये वाला आना था, गलती से ये आ गया, और ये आंसर इसकी तुलना में 15 ज्यादा है, 15 मोर आया, ठीक है। तो अब 8/7 में से हम लोग 7/8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा। तो 8 7 56 दोनों का एलसीएम आया, 7 2 8 56, 8 2 64 और 7 7 49। जब भी आप एलसीएम इस तरह से लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया जाता है, तो त्रिची गुना होगी, 8 2 8 64 7 7 49 इक्वल टू आया 15 के। अब बच्चों इसमें से हम लोग माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पे हमें 15 प्राप्त होता है, 15/56 इक्वल टू 15 आ गया, ये। अब इधर जाके क्या होगा बच्चों, पलटी मारेगा, जो 15/56 है इधर जाके 56/15 में कन्वर्ट होगा, 15 से 15 कट गया, तो वो संख्या जो थी वो थी बच्चों 56, 56 आई थी वो संख्या, ठीक है। अगर आपसे पूछता नंबर क्या है तो 56 होगा, अगर पूछता अंकों का योगफल क्या है तो 5, ये तो पहला क्वेश्चन था, अब अंकों का योगफल 5+6, तो बच्चों ये आ गया 11, अंकों का योगफल आ गया 11, ये जब अंकों का योगफल पूछा जाएगा। कई बार पूछता अंकों का डिफरेंस क्या है, तो 5 6 डिफरेंस एक आ गया। इसमें ये याद रखना है, जब डिफरेंस की बात कर रहा है तो अंतर पूछ रहा है, ऐसा नहीं है ये संख्या बड़ी, ये बड़ी है ये छोटी है तो -1 आएगा, नहीं, डिफरेंस का मतलब उनका दोनों का डिफरेंस, ठीक है। जैसे मैं आपसे 20 साल बड़ा हूं या आप मेरे से 20 साल छोटे हैं, अगर दोनों का डिफरेंस बताया जाएगा, -20 नहीं बताया जाएगा तो 20 बताया जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात। चलिए बच्चों ये अगला वाला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, सेम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हम लोग डायरेक्टली राइट आंसर निकालेंगे कि राइट आंसर क्या था, ठीक है। ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 8/17, बट ही डिवाइडेड दैट नंबर बाय 8/17, हिज रिजल्ट वाज 225 मोर देन द करेक्ट आंसर, देन द आंसर इज, ठीक है, आंसर निकालिए क्या है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, भाई संख्या 1 थी,
तो उसका रिजल्ट क्या आता, 8 बाय 17 से मल्टीप्लाई करता तो 8 बाय 17 ही आना चाहिए था, बट उसने क्या करा, उसको डिवाइड कर दिया 8 बाय 17 से, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, पीछे का फ्रैक्शन मल्टी मारा, 17 बाय 8 आया तो 17 बाय 8 भाई आना ये आंसर चाहिए था, बट गलती से जो उसने गलती कर दी, गलत सुन लिया, उसकी वजह से 17 बाय 8 आंसर आ गया। और कहता है ये जो आंसर है ये इससे 225 मोर देन द करेक्ट आंसर, इससे 225 ज्यादा। अब देखिए 17 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 बाय 17 इक्वल टू 225 है, समझ गया बात। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आता है, एलसीएम आता है बच्चों 136। एक बात ध्यान रखना, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, जब भी प्राइम नंबर होगा और एलसीएम आपको लेने के लिए कहा जाएगा तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो श्योर ली है, ठीक है। ये है, अब देखो यहां 8 से डिवाइड कर, जब भी आपने मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट निकालना है, अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, 17 से डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आएगा, 8 से डिवाइड करते हैं 17 आता, 17 को 17 से मल्टीप्लाई किया 289, 17 का स्क्वायर, अब 17 से जब डिवाइड करते हैं तो 8 आता 8/64, या हम कहते हैं जैसे हम लोग सीखते हैं दोनों को मल्टीप्लाई तिरछा गुणा कर देते हैं, ठीक है, जब इससे गुणा करते हैं ये आता, इससे गुणा करते हैं ये आता, ठीक है। अब हम लोग इसको माइनस करते हैं, माइनस करने में बच्चों क्या प्राप्त होता है, 225, सॉरी ये तो 225 ही है, अब यहां माइनस करने पे क्या आता है, 225 डिवाइडेड बाय 136, ठीक है। अब यहां 225 रहने देते हैं, ठीक है, इधर जाके क्या होगा, ये बच्चों पलटी मारेगा, ठीक है, 225, ये जो 225 बटा 136 है, ठीक है, यहां जाके पलटी मार के क्या होगा, 136 बटा में 225, ठीक है, 225 कट जाता है। अब देखो उस बच्चे को कहा क्या कहा गया था, या हमें वो राइट वो संख्या प्राप्त होती है, उस बच्चे को कहा गया था 8 बाय 17 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 8 बाय 17 से मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, ये जाता 8 पे तो 8/64, तो बच्चों ये जो था ये करेक्ट आंसर था, इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, समझ रहे बात। तो इस क्वेश्चन को देख लो कैसे 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 मैंने स्टेप लिए हैं, एक देखो ये तो आ गया पूरे पूरे फिगर वाला, ठीक है, पूरा नंबर पूर्ण संख्या दी हुई है, ठीक है, कई बार यहाँ पे फ्रैक्शन देता कि मोर देन 8/17, 8/16 इस तरह का आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी आप लोगों के लिए बनाया, ठीक है, क्योंकि लेक्चर देने से पहले इस तरह के साथ साथ क्वेश्चन रखने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए ना। चलिए हम इसको हटाते हैं, मैं एक क्वेश्चन अगला वाला देता हूं आपको। बच्चों जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, समझने बात, ठीक है। चलिए ये वाला करते हैं हम लोग, एक लड़के को किस संख्या को 3/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया या 3/5 ज्ञात करने के लिए कहा गया, किंतु उसने उस संख्या को 3/5 से डिवाइड कर दिया, है ना। इस तरह के एक साथ क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, समझने में, भाग कर दिया तथा उसका आंसर सही उत्तर से 32/75 अधिक आया, ठीक है। देखो फ्रैक्शन वाला एक लेना जरूरी था, ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं आपको सिंपल वाला सिखा दूं और फ्रैक्शन वाला जब वहां आए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आया आपको, तो थोड़ा दिक्कत है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया, तो बताइए राइट आंसर क्या है, सही उत्तर क्या आएगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए संख्या एक ही थी, उसका 3/5 निकालते, बच्चा निकालता तो ये आंसर आना चाहिए था, ठीक है। अब बच्चे से गलती क्या हुई, उसने सुन लिया कि जी मुझे डिवाइड करना है किससे, 3/5 से, तो क्या हुआ, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, 5/3 आया तो ये रिजल्ट आ गया 5/3, और बताता है ये आंसर इसकी तुलना में 32/75 मोर है, अधिक है, ठीक है। एक बार देखे तो मैं, हाँ भाग्य सही उत्तर से इतना अधिक आया, ठीक है। कई बार क्या होता है इसमें ध्यान रखना, कई बार लेस आएगा, कई बार मोर आएगा, ठीक है, तो मोर है, मोर देन है या लेस देन है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बड़ी संख्या, जब ये अधिक आया तो ये बड़ा फ्रैक्शन होगा, ये छोटा फ्रैक्शन होगा, बड़े फ्रैक्शन में छोटा फ्रैक्शन माइनस कर दिया जाता है, और वो किसके बराबर बताता है क्वेश्चन में, 32/75 के, ठीक है, ये वाला है। अब हम लोग दोनों का एलसीएम लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम आया 15, 3 पंजे 15, 5 5 25 माइनस का साइन, क्योंकि माइनस का 5 3 15 3 3 9, ये बच्चों आया 16/15 इक्वल टू 32/75, समझ गए बात। अब देखो 32/75 आया, ये जो फ्रैक्शन है इधर जाके मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ठीक है, पलटी मार जाएगा, ठीक, 16/15 15/16 में कन्वर्ट होगा। अब देखो जब ये निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ये करेक्ट संख्या आएगी, वो संख्या जो जिस पर बच्चों को कार्रवाई करनी थी, ठीक है, बट वो पूछ रहा है राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है, उस बच्चे को कहा गया था उस संख्या को 3/5 से
मल्टीप्लाई करना है या उसका 3/5 निकालना, तो आप उसी संख्या को 3/5 ये देना, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, 15×5=75, ठीक है, और 16×32, अब करता नहीं है, तो 3×6 और 5×25, तो 6/25 इज द राइट आंसर, ठीक है। उस बच्चे को अगर पूछा जाता कि बताइए वो संख्या क्या है, तो आप संख्या को यहीं से निकाल लेते, 16×32 और 15×5 वो संख्या आती, पर उसने पूछा है कि सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर बच्चे को कहा गया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/5 से मल्टीप्लाई करना, 3×6 5/25 विल बी अवर राइट आंसर, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, थीके? मैं जब भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है, तो एक क्वेश्चन दूंगा उस पर बेस 4-5 क्वेश्चन लेके आऊंगा जो प्रीवियसली पहले आ चुके हैं, ठीक है, थीके? उससे थोड़े हल्के हल्के क्वेश्चन भी बनाए जाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि उसको समझ में आए, क्रमवार समझ में आ जाए, चाहिए समझ के बाद। तो बेस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉर योर एग्जामिनेशन और नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स।